आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र में 14 नवंबर की रात युवक द्वारा बंद कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या के बाद दोषियों के नाम लेने और मारने से पहले के आखिरी बयान का वीडियो सामने आया है। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए एसपी वेस्ट ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। जानकारी के मुताबिक थाना मलपुरा के अजीजपुर रोड पर विक्की सोनी 28 वर्ष ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पीड़ित की पत्नी कविता ने पति के दोस्त भोला और उसकी मां व साथियों पर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने मंगलवार को जाम लगाने का प्रयास किया था, पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था, जिसके बाद पूरे मामले पर एसपी ग्रामीण सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि युवक की आत्महत्या के बाद उसका वीडियो संज्ञान में आया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। चंपा मुन्ना अबोला भिन्ना में ऐसा फंसा दूँ बहुत ज़्यादा, मेरी गाड़ी पर लोन लगे भिन्ना और इतना फंसा दूँ, मेरा मकान भी बिक्रा हुआ, सब कुछ खत्म हो चुका हुआ, जहाँ टाइम पर मैं अपने आत्महत्या कर लूँ। मैं चंपा अबोला मुन्ना गोपाल और कार्तिक इन भैया की वजह से मैं आत्महत्या कर लूँ। नीचे भाई पूरे पैसा मिल जाएंगे, कोई दिक्कत ना। नीचे भाई मेरी बात देखे आ गई, मैं खुद कर्ज किया था, नीचे भाई को पूरे पैसा मिल जाएंगे, मुझे जब वाली बात की दिक्कत ना है। पर हाँ, मैं पूरी तरीके से बहाने फंसाया हूँ भोला ने, बहाने मेरी आईडी था लोन दबा हुआ ने, 1 लाख रुपया अलग ले है बहाने और किस्तों ना भरी, सारे कमान ने मैं झील लूँ, अब भागर भागर डुल लो भाई, बुढ़िया भगा देता है, बादू करो आने होते मेरी वीडियो में रिकॉर्डिंग है, अब मैं कहते बात नहीं कर पाऊँगा। मैं अपनी आत्महत्या चंपा भोला कार्तिक गोपाल और बन्ना की वजह से कर रहा हूँ मैं। इसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ है कुछ लोगों के नाम लेके, क्या है पूरा मामला? थाना क्षेत्र मलपुरा में परसों की घटना है, अजीजपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, उसके संबंध में एक वीडियो भी प्रकाश में आया है, जो उनके परिजन हैं परिजनों से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, आगे की अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।